नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल जय एस गोदली पर। थैंक यू सो मच 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए और 500 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो गए, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए। तो अभी जो भी मेरे व्यूज़ होंगे ना, तो आप लोग प्लीज़ आगे शेयर और सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग हमारे नेक पीसेज के साथ, स्टेटमेंट पीसेज हैं बहुत सुंदर रेप्लिका के अंदर। तो मैं आपको एक, तो मैंने ये पहना हुआ है नीचे वाइट पर्ल्स के अंदर, ये पूरा हैंडमेड है, जितना भी है ना, ये पूरा जो भी ये वाला नेक पीस, ये पूरा हैंडमेड है। ये नीचे सिंथेटिक पर्ल्स का यूज़ हुआ हुआ है और ये पूरा हैंडमेड है। ये पूरा शेप हाथों का दिया हुआ है, पूरा ब्रास के अंदर है, ये पूरा ऐसे आएगा वाइट पर्ल्स के अंदर, इसका चोकर स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल चोकर स्टाइल में, ये भी टेम्पल में ही है, ये भी इसमें भी लक्ष्मी बनी हुई है बीच में, नीचे प्योर सिंथेटिक पर्ल्स के साथ इसको कवर किया हुआ है। अब ये पूरा ऐसे मतलब मोल्ड होने वाला है, इसलिए आपको पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होगा ये ऐसे। और ये इसके इयर रिंग्स हैं छोटे से प्यारे चूट से, ये मैंने आपको ग्रीन स्टोन में दिखाया, मेरे पास इसमें अभी सिर्फ वाइट अवेलेबल है। ये भी काफ़ी सुंदर है, ऐसे कॉटन की कुर्तीज़ वगैरह पे काफ़ी अच्छा जाएगा। ये पीछे थ्रेड लगा हुआ है, काफ़ी कंफर्टेबल है, पहनने के बाद बिल्कुल पता नहीं लगेगा। काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है इस बार नेक पीसेस में और क्वालिटी वाइज भी बहुत 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 अच्छा है। जो लोग यूट्यूब के थ्रू मेरे से ले रहे हो, वो सबको पता है कि क्वालिटी वाइज कैसा है। तो जो नहीं देख रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए, लेके देखिए किस टाइप का है, क्या है। ये टाइप का रेप्लिका में कड़ा, ये भी एडजस्टेबल है, ये भी पूरा एडजस्टेबल है, काफ़ी सुंदर ये हैंडकफ की तरह दिखता है और ज़्यादा ऐसा हैवी भी नहीं है, काफ़ी मतलब अच्छा दिखता है। इसको ना वेस्टर्न के ऊपर भी पहन सकते हैं, ये तो मैंने साड़ी के ऊपर वेयर किया है। अगला भी हमारा चोकर ही है, चोकर स्टाइल में और लॉन्ग करके पहन सकते हैं। ये पहनने के बाद सुंदर सा प्यारा सा स्लीक सा चोकर है, ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये भी, ये इसका जो इयरिंग है, ये ऐसे टाइप का सेम सिमिलर, इसके अंदर कलर अवेलेबल हो जाएंगे, मिड नाइट ब्लू है और ब्लैक कलर है और एक ये वाइट कलर है। जो भी आपको इसमें से पीसेस पसंद आते हैं, आप टेक अ स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप कर देना मुझे जो भी पीस आपको इसमें से पसंद आते हैं। ये जो पीसेस मैं पहनती हूँ सिर्फ साड़ी के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगी कि कुछ अलग पहन के मैं बनाऊँ, बिकॉज सब लोग बोलते हैं साड़ी पे ही जाएगा, क्या साड़ी पे ही जाएगा। तो ये पीसेज आप डिपेंड करता है आप कैसे कैरी कर रहे हैं, बाकी चलने वाले पीसेज तो किसी पे भी चलते हैं। ये भी बहुत सुंदर है, लाइट वेट है, पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। अगला मैं आपको इयरिंग्स दिखाती हूँ बहुत सुंदर यूनिक से, ये पूरे रेप्लिका के अंदर नीचे प्योर सिंथेटिक पर्ल्स का काम हो रखा है, ऊपर ये सारा स्टोन लगा हुआ है, थोड़ा हैवी लुक में है लेकिन इसका जो वेट है वो बहुत लाइट है। ऑनेस्टली बताओ तो डिज़ाइंस इतने मतलब दिखने में हैवी है, बट वेट इनके बहुत बहुत लाइट है, तो आपको पहनने में बहुत कंफर्टेबल होगा। जो भी मेरे से लेते हैं ना यूट्यूब के थ्रू, तो वो कमेंट में ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ज्वेलरी का वेट बहुत हल्का है, बिल्कुल भी ऐसे भारी नहीं है। और ये पीछे इसके रेप्लिका पॉलिश हो रखी है, फिनिशिंग बहुत बहुत अच्छी है। इसमें कलर्स मिल जाएंगे आपको, मल्टी मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, मल्टी वाइट सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये ऐसे आएगा, ये रेप्लिका के अंदर बैंगल है, एडजस्टेबल ओपनेबल है कड़ा, फिनिशिंग आप इसकी देख सकते हैं, आपको दिखती होगी अच्छे से फिनिशिंग, बहुत बहुत सुंदर फिनिशिंग है। और इसमें साइजेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो सभी साइज आपको चाहिए आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना, ये भी बहुत सुंदर है। ये एक ही लक्ष्मी के अंदर टेम्पल के अंदर है, नीचे पेंडेंट दे रखा है बहुत सुंदर सा, कलर इसमें ये मरून एंड मिडनाइट ब्लू, नीचे टेंपल में ये लक्ष्मी जी हैं और ये पूरा प्योर सिंथेटिक पर्ल्स के साथ कवर किया हुआ है नीचे से। ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है, इतना हाथ में नहीं लग रहा था लेकिन पहनने के बाद काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये इसका इयरिंग है, इयरिंग भी बहुत सुंदर बन के आए हैं नेक पीसेस के साथ वाले, ऐसे काम चलाओ टाइप नहीं है, बहुत सुंदर इयरिंग्स हैं इसके साथ के इयरिंग्स हैं। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, वाइट और इसमें वाइट एंड मरून आपको अवेलेबल हो जाएगा, काफ़ी सुंदर प्यारा से इयरिंग है, मिंट ग्रीन, इसमें ब्लश पिंक रूबी और मल्टी सब कलर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप खाली इयरिंग भी पहनेंगे तो भी चलेगा, जो मैंने आपको वो लास्ट वाला दिखाया था वो टाइप का, ये खाली इयरिंग्स भी पहनेंगे तो भी अच्छा जाएगा, थोड़ा हैवी लुक में है ये मिंट ग्रीन, ये कलर ही इतना सुंदर है, खाली इयरिंग्स भी इसके बहुत सुंदर लगेंगे बहुत ज़्यादा, साड़ी के ऊपर कुर्ती के ऊपर, मुझे तो साड़ी के ऊपर सभी ज्वेलरी अच्छी लगती है, तो आप किसी भी उसके ऊपर इसको पहन सकते हैं।
अगर वीडियो में कोई भी प्लीज़ कमी दिखे तो मुझे बताना ज़रूर आप लोग, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा, मुझे नहीं पता चलेगा खुद से। और हम लोग का शिपिंग आउट ऑफ इंडिया भी है, तो आप लोग बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं, होल सेल रिटेल सबका है। प्यारा सा क्यूट सा इयरिंग डेली वेयर में रेप्लिका के अंदर, तो इस पर भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट, इसका अलग से ही अपना लुक आ रहा है इस वाले इयरिंग का। इयरिंग मैं आपको दिखाती हूँ, टू टोन के अंदर, ये ब्लश पिंक कलर के अंदर है, टू टोन के अंदर है ये इयरिंग। ये भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने पहन के ट्राई नहीं किया, बट अभी वीडियो में अभी ट्राई कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ब्लश पिंक कलर के अंदर है इसका जो ये ना गोल्डन लुक, ये भी अलग से लुक आ रहा है इसका इयरिंग। खाली इयरिंग्स पहनो तो भी चलेगा, ये लाइट वेट है काफ़ी, और डिज़ाइन इसका हैवी है तो खाली इयरिंग्स भी अच्छा दिखेगा। ये ऊपर मीना का इसमें काम हो रखा है, नीचे कार्विंग स्टोन है, और ये छोटे छोटे से पर्ल्स इसके अंदर। ये मुझे अलग से पसंद है क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी डिफरेंट है, मतलब और जैसे इयरिंग नहीं है। इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये देखो इस साड़ी के ऊपर भी जा रहा है, इसकी अपनी खासियत है ये, मतलब पहनने के बाद किसी पे भी। सारी ज्वेलरी मेरी ऐसी है, बट ये मुझे अलग लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है ये। नेक्स्ट है हमारा ये प्रोडक्ट, रूबी पिंक कलर में नेक पीस, चोकर स्टाइल के अंदर, पूरा रेप्लिका में आएगा। ये लॉन्ग करके भी इसको पहन सकते हैं, ये ऐसे आएगा, रूबी पिंक कलर के अंदर है। ये पेंडेंट दे रखा है, ये पूरा स्लीक सा पतला सा डिज़ाइन है, ये कवर कर रखा है चोकर स्टाइल में। ये इसके इयरिंग्स है, इयरिंग्स भी इसके काफ़ी सुंदर है, इसकी डिज़ाइन के हिसाब से आप लोगों को देखने में लग रहा होगा हैवी, बट ये सीरियसली बहुत लाइट वेट है। तो आज के लिए इतना, बाकी अब जल्द से जल्द जितना होगा उतना जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। तो अब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वीडियोस बनाऊंगी, और थैंक यू सो मच आप लोगों का कंटिन्यूसली इतना मेरे को सपोर्ट करने के लिए। मैं अपलोड नहीं भी कर पा रही वीडियो तो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, तो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ शेयर तो ज़रूर ही कर देना, क्योंकि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, अच्छे से बढ़ जाए, फिर और अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स के साथ और अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको ज्वेलरी अवेलेबल कराऊंगी, और जो भी कमी हो वो बता देना। थैंक यू सो मच।